कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। रात 8 बजे पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया। 29 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा, हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से देश में पूरी तरह लॉकडाउन होगा। यह जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा। यह 21 दिन का होगा। बाहर निकलना क्या होता है, यह 21 दिन के लिए भूल जाए। पीएम की इस घोषणा के बाद लोग घरों के बाहर निकले आए। खंडवा में सबसे ज्यादा भीड़ दवा और राशन की दुकानों पर दिखी। 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों में हलचल सी मच गई। दवा राशन की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। राशन की दुकानों में हर कोई ज्यादा से ज्यादा सामान लेने की होड़ में नजर आया। पेट्रोल पंप पर भी हर कोई टंकी फुल कराने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। हालांकि घोषणा के तुरंत बाद पुलिस की गाड़ियां भी निकली। पुलिस ने भीड़ में पहुंचकर लोगों को समझाइश दी कि शांति बनाए रखें। प्रधानमंत्री की घोषणा में रोजमर्रा के सामान और खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम किया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग ये सब्जी फल और जो बेसिक फैसिलिटीज है अभी खुली हुई है, आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें, डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है? सब चीजें अवेलेबल है, बाकी दुकानें भी खुली है, लेकिन आप लोग रोड ब्लॉक करेंगे, व्यवस्था फैलेगी, ठीक है? नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वाचन हुआ है उस पर उन्होंने 21 डेज के जो कंट्री के लॉकडाउन की बात कही है। लोगों में थोड़ा सा उसको लेकर क्लियर पॉइंट नहीं था। किराना दुकानों में जो भीड़ लगी उनको समझाइश दे रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु हैं उसके लिए प्रशासन व्यवस्था करेगा। जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे हमारे जिलाधीश महोदय उसको डिसाइड करके जनता को सूचित करेंगे। तो ऐसे कोई भी पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ, मोदी जी ने बोले 21 दिन तक मार्केट बंद रहेंगे, इसलिए हम लोग हमारे जरूरत के सामान खरीदने आए हैं मार्केट में। 21 दिन तक बंद होने की बात की है उन्होंने। दुकानें नहीं बंद रही है, आवश्यक चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, फिर भी आप लोग मन में क्या डर है आपको कि क्या है इतने दिन तक सामान की नहीं? इतने दिनों तक बंद रहेंगे तो हम चलेंगे कैसे, खाएंगे क्या, करेंगे क्या? एक तो काम धंधा ऊपर से बंद है, ऊपर से ये भी बंद है, तो कैसे चलेंगे हम लोग? खाना पीना तो हमें तो करना पड़ेंगे ना। अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।